कल कलर मॉल में दाऊ बंद्रा जी पर फिल्म देखने आए थे, ताम्रध्वज साहू साहब परिवार, पूरा उनका परिवार, पूरा उनका स्टाफ, उनके लिए विशेष शो रखा गया 6 बजे। और जैसे ही वो मॉल से बाहर आए तो दो चीजें उन्होंने कही। एक उन्होंने कहा कि करण खान और उनकी जो पत्नी का रोल किया, बोले इनके बिना पिक्चर बनना संभव नहीं था, और इतना अच्छा अभिनय किया है, ये ताम्रध्वज साहू अभिभूत हो गए उनके अभिनय को देखकर। और वो ही नहीं, पूरे दर्शक, यहां तक मैंने भी फिल्म को देखा, करण खान ने लाजवाब अभिनय किया। मुझे तो गुरुदत्त याद आ रहे थे कि जिस तरह गुरुदत्त कागज के फूल में जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, अभिनय किया था और कई फिल्मों में, तो वैसा मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का अभिनय करने वाला आदमी, इसकी पूरी क्षमता का दोहन हुआ उस फिल्म में करण खान की। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मैं कि उन्होंने बाहर जब मीडिया वाले मिले तो उनसे कहा कि ये फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा किया। का जो चरित्र था राव जी का, उसको जीना, उसमें काम करना मुझे लगा बड़ा मुश्किल काम था, और इन दोनों ने सचमुच में किया है। इसलिए ये छत्तीसगढ़ी फिल्म मंदरा जी, आप मन ला कैसे लगी? जास बहुत शानदार फिल्म है, बहुत 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 खूबसूरत फिल्म है। मतलब इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मंदरा जी की जो पूरा जीवन परिचय को बहुत शानदार तरीके से दिखाया, और इसने तो जी दिया उस करेक्टर को, लास्ट में रुला दिया भाई, बहुत लास्ट में आंसू आ गए, सही में आंसू आ गए थे लास्ट में। इतना बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसको ही मिलना चाहिए इस साल का। नहीं है पिक्चर दिखाना है, देख क्या है, देख क्या है, क्या बात। सर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ सर, प्लीज बोलो। ये मोड़ हार ले तो जय मंदरा जी, जय छोड़ दो यार बाहर तक। भारत माँ के रतन बेटा, हाँ पर नाचा पार्टी में थे, हाँ आजादी के गाना गा फंस गई क्या? मार दाओ का मार, अरे मार दाओ। मैं छत्तीसगढ़ी आया हूँ।